सब्सक्राइब कीजिए हिंदी में जानकारी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारा हिंदी में जानकारी ब्लॉग वर्डप्रेस से बना है, क्योंकि मैं प्रीफर करता हूँ ब्लॉगर से वर्डप्रेस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको पूरा कंट्रोल रहता है। जो ब्लॉगर है वो गूगल का है, वो गूगल अपना सर्वर पे सारा होस्ट करता है, वो चाहे तो कभी भी आपका ब्लॉग डिलीट कर सकता है आपको बिना वार्निंग दिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप वर्डप्रेस पे अपना मनपसंद का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, उसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ नया फीचर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इसमें प्लगइन्स है, लेकिन ब्लॉगर्स में सब नहीं है। अगर उसमें आपको एक बस XML का एक कोडिंग आता है, अगर आपको कोडिंग आता है तब जाके आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस बहुत सिंपल है और वो ज़्यादा सिक्योर हो सकता है, क्योंकि ब्लॉगर गूगल प्लेटफॉर्म है तो ज़्यादा सिक्योर होगा। इसके लिए आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वर्डप्रेस सबसे बेटर है। अगर आपको वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना है तो आपको दो चीज़ की ज़रूरत है। एक है आपका होस्टिंग, होस्टिंग मतलब एक वेब सर्वर जहाँ पे आपके वर्डप्रेस के जितने फाइल्स हैं, जितने आपको जितने कोडिंग से जितने आपका इमेज जो भी होगा, आपका जितना कोड होगा सब वो होस्टिंग में स्टोर होगा। वो है आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम आपका आप खरीद सकते हैं गोडाडी से। डोमेन नेम आपका पॉइंट होगा होस्टिंग को। जब कोई डोमेन नेम को यूज़ करेगा, मतलब ब्राउजर में डोमेन नेम टाइप करेगा, तो वो डिटेल वो होस्टिंग से वो डाटा को फेच करके आपको दिखाएगा। मैं पहले ही दो वीडियो बना चुका हूँ कि डोमेन नेम कैसे खरीदते हैं और उसको होस्टिंग से कैसे लिंक करते हैं। यहाँ मैं बताऊँगा कि आप एक अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले उसको ट्राई करेंगे तो उसके लिए आप wordpress.com जाके आप एक फ्री वर्डप्रेस का साइट बना सकते हैं। ये आपका नहीं है कि आप इसमें डोमेन डाटा डाल सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। इसके नीचे आपको प्लान्स दिख जाएंगे। देखिए इसके चार प्लान हैं, फ्री प्लान, पर्सनल, प्रीमियम, बिजनेस। फ्री में आपको wordpress.com का सॉफ्टवेयर मिलेगा, जैसे आपको ब्लॉगर मिला था blogspot.com, ऐसे ही यहाँ आपको wordpress.com का सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको मतलब यूज़ करने के लिए नहीं है, बस इसीलिए है कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस के माइग्रेट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि उसका इंटरफेस, उसका जो डैशबोर्ड है वो एक्चुअली दिखता कैसा है, उसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं, उसको वो सब चेक कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि वर्डप्रेस ब्लॉग आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक फ्री है, स्टार्ट विथ फ्री, वहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे मांग रहे हैं आपका व्हाट यू डू लाइक टू नेम योर साइट, आपका साइट का नाम क्या देना चाहते हैं। मैं हिंदी में दे देता हूँ, व्हाट विल योर साइट बी अबाउट, हिंदी ब्लॉग। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल यू हैव फॉर योर साइट, आप कौन से कैटेगरी आपका साइट आता है। अपडेट्स, रिव्यू, स्टोरी चूज़ कर लेता हूँ, आप एक दूसरे से चूज़ कर सकते हैं। बीच एजुकेशन ट्रेनिंग, ओके। हाउ कंफर्टेबल आर यू विथ क्रिएटिंग योर वेबसाइट, बिगनर लेवल पे चूज़ करिए। कंटिन्यू, चूज़ ए थीम, चाहे तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स गिव यू साइट एंड एड्रेस, मैं देता हूँ हिंदी में। ये आपको दिखा देगा कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है। देखिए ये सब जो है वो डोमेन है, आपको वो खरीदना पड़ेगा, तो आपको बस पहले फ्री ऑप्शन है वहाँ सेलेक्ट करना है। हिंदी में ये एड्रेस अवेलेबल है, अगर मैं हिंदी में जानकारी देता हूँ, हिंदी में जानकारी, फिर मैं वही सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो आप रैंडमली ट्राई कर सकते हैं। हो गया, योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे यूजर नेम, और यहाँ पे आप अपना
पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे है कंटिन्यू विद गूगल, मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ क्योंकि पहले से मेरा अकाउंट है। लॉगिन करने में आपको पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पासवर्ड दे देते हैं। ये अभी कनेक्ट होगा गूगल के साथ। लेट्स क्रिएट अ साइट, ये साइट है, ये साइट बन गया, ये माय प्रोफाइल, इधर है माय साइट। पहले से साइट था आपकी हिंदी ब्लॉग डॉट वार्ड प्रेस डॉट कॉम, पहले से था, यहाँ आप देख सकते हैं किसे दिखता है, ये है नथिंग फाउंड। यहाँ पे साइट पेजेस, ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे ऐड करके आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ये है उसका डिज़ाइन, यहाँ पर जो लिखना है ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ आप ऐड कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म, फोटो गैलरी, पेमेंट बटन्स, मीडिया, और यहाँ आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ कैटेगरी और टैग्स है, नया आप कुछ नया कैटेगरी और टैग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ फ्यूचर इमेज है, पोस्ट फॉर्मेट, इस तरह का आता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। आप ये मत सोचिए कि आप वर्डप्रेस में यहाँ से ब्लॉग बना के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस में ब्लॉग बनाए हैं तो आप एक डोमेन खरीदिए, अगर पहले से डोमेन है तो अच्छी बात है, एक होस्टिंग खरीदिए। वर्डप्रेस रिकमेंड करता है ब्लू होस्ट को, आप ब्लू होस्ट या फिर मैं हम होस्टगेटर यूज़ करते हैं, आप ब्लू होस्ट या होस्टगेटर कोई भी बाई कर सकते हैं। करने के बाद उसको लिंक कर दीजिए, आपको वीडियो हमारे चैनल में है कि कैसे लिंक करना है डोमेन को होस्टिंग के साथ। तो देखने के लिए धन्यवाद, मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्द ब्लॉगिंग से रिलेटेड और कुछ भी आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।